भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच आखिर क्या रिश्ता था, क्या लगते थे श्री कृष्ण द्रौपदी के, ये आज के इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। हम सबका एक साथ अलग अलग रिश्ता होता है, किसी का आपस में पति पत्नी का रिश्ता, किसी का भाई बहन का रिश्ता, किसी का दोस्त का रिश्ता, तो किसी के साथ प्रेम संबंध का रिश्ता। लेकिन अगर बात करें एक अनोखे रिश्ते की जिसे मित्रता का रिश्ता कहते हैं, मित्रता एक ऐसा अटूट गहरा और निश्चल रिश्ता था द्रौपदी और कृष्ण के बीच। कृष्ण का नाम अक्सर राधा के साथ जोड़ा जाता है जिसे प्रेम संबंध का रिश्ता कहते हैं, लेकिन कृष्ण की पत्नी बनी रुक्मणी और कृष्ण की सखी थी द्रौपदी। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता था क्योंकि उनका विवाह पांडु पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से हुआ था। द्रौपदी को रुक्मणी की तरह संसार की सबसे रूपवती स्त्री भी माना जाता है। द्रौपदी का एक और नाम था कृष्णा। इन्हें कृष्णा इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इनका रंग भी कृष्ण की तरह सांवला था। श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों के बीच में एक अटूट और गहरा अनोखा रिश्ता था और ये रिश्ता था मित्रता का। अक्सर ये कहा जाता है कि एक स्त्री और पुरुष कभी भी मित्र नहीं बन सकते, लेकिन श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों मित्रता की बहुत बड़ी मिसाल थे। दोनों ही एक दूसरे को अपना बहुत ही अच्छा मित्र मानते थे, इसीलिए श्री कृष्ण द्रौपदी को सखी जैसे समझते थे और द्रौपदी भी कृष्ण को सखा के रूप में देखती थी। श्री कृष्ण को राधा रानी और रुक्मणी से भी अधिक प्रिय कोई और भी थी और वो थी द्रौपदी। जितना अधिक प्रेम वे राधा और रुक्मणी से करते थे उससे ज्यादा प्रिय उन्हें द्रौपदी थी। श्री कृष्ण पूरे महाभारत तक हमेशा पांडवों और द्रौपदी के साथ रहे। एक कथा अनुसार शिशुपाल का वध करते समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी और उनकी उंगली से रक्त बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी ने जल्दी से अपने साड़ी के पल्लू से एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद स्वरूप वचन दिया कि एक दिन मैं तुम्हारे वस्त्र का मूल्य जरूर अदा करूंगा। श्री कृष्ण ने अपने इस वचन को निभाया। जब द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद उसकी लाज बचा कर की। ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उन्हें चाहती थी एक सखा की तरह। द्रौपदी की दासी नितंबिनी श्री कृष्ण की सारी खबरें उन्हें देती थी। श्री कृष्ण को ये बात पता थी कि द्रौपदी उन्हें चाहती है, इसीलिए एक दिन उन्होंने द्रौपदी को समझाया और अर्जुन के बारे में बताया कि आर्य पुत्रों में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है, देव पुत्र भी है, अर्थात अर्जुन इंद्र के पुत्र है। इस तरह से उन्होंने द्रौपदी का सारा ध्यान अर्जुन की तरफ मोड़ दिया। ये भी कहा जाता है कि द्रुपद अपनी कन्या द्रौपदी का विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते थे ताकि वह अपने अपमान का बदला द्रोण से ले सके। कृष्ण नहीं चाहते थे कि वे किसी के व्यक्तिगत प्रतिशोध का मोहरा बने, इसीलिए उन्होंने द्रुपद को उनकी पुत्री के विवाह करने के लिए विनम्र पूर्वक मना कर दिया। कृष्ण की बात सुनकर द्रुपद निराश हो गए। उनकी इस निराशा को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी पुत्री के विवाह के लिए सुयोग वर ढूंढने की सहायता करेंगे। उनके इस प्रस्ताव को द्रुपद ने स्वीकार किया और श्री कृष्ण ने उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर के लिए धनुर्वेद की कठिन प्रतियोगिता रखने के लिए कहा। जो प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ होगा उसका विवाह द्रौपदी से कर आप अपना प्रतिशोध पूरा कर सकेंगे। श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों एक दूसरे को समझते थे बहुत प्रिय, इसीलिए जब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण की बहन को सहपत्नी के रूप में आसानी से स्वीकार भी कर लिया था। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।